हर खबर पर आपकी नजर, बेताब समाचार। एक महीने से गड्डी दरों ना रखी हुई, इनके जय साहब से बात करते हैं, कहते हैं पुलिस में बन जाएगी। गोपाल राय के पीए साहब आते हैं, कल उनसे काफी झड़प भी हुई, उसके बावजूद भी काम नहीं हुआ। और ये दिक्कत ये है, डेंगू फैल रहे हैं, डेंगू के मच्छर हो रहे हैं, लार्वा हो रहा है, दुनिया भर मच्छर पैदा हो रहे हैं, डेंगू मलेरिया दुनिया भर की बीमारी पैदा होंगे, इसके जिम्मेदार कौन होगा? तो बेताब समाचार में आपका स्वागत है, और हम आज बाबरपुर विधानसभा क्षेत्र में हैं। यहाँ ये नूर इलाही का इलाका है, और ये जो गली मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे कुछ लोग हैं। पहले मैं आप लोगों को ये गली दिखा दूँ, इस गली की हालत क्या है। और ये गली केवल आज या एक हफ्ते से नहीं है ऐसी, बल्कि तकरीबन इस गली को ये लोग बता रहे हैं कि तकरीबन 3 महीने हो गए ये इसी तरह की हालत में है। 3 महीने से यहाँ लोग जो है इसको मतलब झेल रहे हैं, और अभी तक ये काम पूरा नहीं हो पाया है। देखो किस तरह से ये जो है यहाँ, देखो आप देख रहे होंगे क्या हालत है। ये लोगों का बच्चे जो स्कूल जाते हैं, बड़ी दिक्कत होती है, और वो कई बार जी जी हाँ। तो ये कब से हो रही है जनाब? ये पहले इधर आ जाओ आप, 3 महीने से हो रही है जी। पहले तो अपना नाम बताओ। मेरा नाम फुरकान है। हाँ फुरकान जी, कहाँ रहते हो आप? इसी गली में रहते हैं जी। नहीं, कौन सा इलाका है ये? गली नंबर 1। हाँ, बाबरपुर विधानसभा में आता है ना? तो यहाँ से MLA कौन है? अच्छा, मंत्री भी है ना वो? तो जी जी। तो ये गली कितने दिन से नहीं बन रही है? ये 3 महीने हो गए कम से कम। तो आपने क्या बताया नहीं मंत्री जी को? पता नहीं कि यह गली नहीं बन रही है? सबको बताया, कोई सुनवाई नहीं करता। कोई सुनवाई नहीं करता? अच्छा अच्छा जी। क्या नाम है जनाब आपका? मेरा नाम है मोहम्मद नाजिर। मोहम्मद नाजिर साहब, ये जो नूर इलाही की, ये भाई साहब बता रहे थे कि ये गली जो है 3 महीने से नहीं बन रही है, क्या कारण है? पिछले 3 महीने से गली दरों के रखी हुई, इनके जय साहब से बात करते हैं, कहते हैं पुलिस में बन जाएगी। गोपाल राय के पीए साहब आते हैं, कल उनसे काफ़ी झड़प भी हुई, उसके बावजूद भी काम नहीं हुआ। और ये दिक्कत ये है, डेंगू फैल रहे हैं, डेंगू के मच्छर हो रहे हैं, लार्वा हो रहा है, दुनिया भर मच्छर पैदा हो रहा है, डेंगू मलेरिया दुनिया भर की बीमारी पैदा होंगी, इसके जिम्मेदार कौन होगा? किसका चालान कटेगा? मोहल्ले वालों कटेगा या अधिकारियों कटेगा? किसका कटना चाहिए चालान? देखिए 3 महीने हो गए जनता को परेशान होते हुए, स्कूल के बच्चों का जीना दुश्वार है, वो निकलने बढ़ने वो परेशान है, बुजुर्ग नमाज को जाते हैं निकलते हैं आते हैं, उन्हें परेशानी हो रही है इन गलियों में। मगर इन लोगों ने मंत्री गोपाल राय जी को क्या मतलब है? वोट मिल गया, अपने वहाँ महल में बंगले में बैठे हुए, उन्हें क्या मतलब इन जनता से? वो तो कहते हैं हमने ठेका दे दिया है, काम हो जाएगा। तो मंत्री बनने के बाद क्या इलाके में आते नहीं है वो? नहीं, मंत्री बनने के बाद इलाके में आते ही नहीं है, जब उनका कोई प्रोग्राम होता है जब दिखाई देते हैं, अपने मतलब के लिए आते हैं गोपाल राय जी। मगर अब की दिल्ली की जनता ने, नूर इलाही की जनता ने, और बाबरपुर विधानसभा की जनता ने ठाना है कि गोपाल राय को 50,000 वोटों से हरा के भेजना है, और हार के जाएंगे अगर नूर इलाही से। चलो ये तो राजनीतिक बात होगी, लेकिन इस गली की समस्या के बारे में जो आपकी जो दिक्कत है, इसे ये जल्दी से जल्दी हल होनी चाहिए। अरे नहीं हल कर रहे ना, पिछली बार मीडिया ने कवरेज किया, जब भी अब तक उनके कान पे जू नहीं रहेंगी। अब आप लोग आए, फिर पहले कह रहे 11 दिन में बनाई, 3 महीने हो गए, बताइए कौन सा तरीका है, कौन सा सिस्टम है? कह रहे वो हमारा ठेकेदार पैसे लेके भाग गया। अरे पैसे लेके ठेकेदार भाग गया तो उसे ब्लैक लिस्ट करो, दूसरा ठेकेदार लेके आओ। ये एक जय का कहना है कि ठेकेदार पैसा लेके भाग गया, बताइए क्या इनकी थिंकिंग है? गोपाल राय का भी कहना है। नहीं नहीं, ये जो पैसे लेके भाग गया, या मतलब कर्मचारी नहीं आ रहे अधिकारी नहीं, ये जिम्मेदारी तो सरकार की होती है। बिल्कुल, मंत्री जी जवाब दें, गोपाल राय जी चीज का जवाब दें, ये क्या हो रहा है? उनके पीए से बात कर लिया, उनके ऑफिस में बात कर लिया, गोपाल राय जी से बात हो गई, मगर कोई समाधान नहीं होता किसी चीज का, किसी चीज का समाधान नहीं होता। यहाँ कुछ और लोग भी हैं जी। क्या नाम आपका? मोहम्मद आरिफ जी। क्या कहना चाहेंगे इस गली के बारे में? कहना चाहेंगे गली को 10 दिन का टाइम दिया था, 10-11 दिन के अंदर बन जाएगी गली। हाँ, और अभी तक इस गली में कोई सुनवाई नहीं है। तो 11 दिन वो आ गए, अभी नहीं आए 11 दिन। अभी पता नहीं कब आएंगे टाइम उनका, अभी नहीं है। वोटिंग का टाइम होता ना? हाँ जी जी, वोटिंग का टाइम तो आते जी जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोमिनीन कुरैशी है। हाँ मोमिनीन कुरैशी साहब, क्या कहना है आपका? कहना क्या, हम उनसे हो रही थी बात, जो उन्होंने जो शुरू में जब ये रोड टूटने को हो रहा था ना, तो हमने गाड़ी रोक दी थी यहाँ पर, क्या अभी मत तोड़ो, अभी त्योहार का टाइम है। तो वो कहने लगे, हमारे बड़े भाई से, बिट्टू भाई से बोला था उन्होंने कि 11 दिन के अंदर अंदर ये बन जाएगा रोड, तो इसलिए हमने फिर तोड़वाने दिया। कोई बात नहीं, चलो 11 दिन में क्या, 15 दिन में बन जाएगा, कोई बात नहीं, हो जाएगा। अब वो कुछ बारिश वगैरह होने लगी, इस वजह से थोड़ी सी रोकथाम हो गई काम के अंदर। अब हम आज भी 5-6 आदमी इकट्ठे होकर उनके ऑफिस में गए थे गोपाल राय जी के जी, तो वहाँ पर उन्होंने आश्वासन दिया है कि कल से काम हो जाएगा।
आश्वासन दिया है और ये आश्वासन जो है लगातार आश्वासन पे आश्वासन मिलते रहे हैं और यहाँ हालात ठीक नहीं है। आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला, जो कुछ मिला जी। क्या नाम आपका जी? मोहम्मद नदीम। मोहम्मद नदीम साहब, इस गली के बनाने के बारे में आश्वासन तो बहुत मिल रहे हैं लेकिन गली नहीं बन रही, क्या कारण है जी? इस गली के ना बनने से बहुत बड़ी सीख मिली हमारे को, बहुत बड़ी सीख। हमारे पास जेई का नंबर हैगा और गोपाल राय जी जी क्या कहना चाह रहे हैं? यहाँ आके कहो, आ जाओ। नहीं नहीं नहीं, यहाँ कह रहे हैं, यहाँ आ जाओ। गोपाल साहब के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये तो मीडिया वाले हैं हमारी तरफ से। हाँ जी, नहीं नहीं, हम किसी की तरफ से नहीं है, हम तो जो आप जो जैनवन बात है जी जी, अपना पहले तो अपना नाम बताओ। सब कहने की बात होती है भाई, मैं नहीं, मैं तो सारी पोल पट्टी खोल दूंगा अभी। हाँ पोल पट्टी खोलो ना, तो उसमें आप पे कोई दबाव थोड़ी है जी? आप पे कोई दबाव है? हाँ जी, अच्छी तरह जानता हूँ। नहीं जानने से कोई जानने से मतलब नहीं, यहाँ हम जो है ये तुम्हारी जान पहचान घर चलेगी, रिश्तेदारी और जान पहचान चलेंगी अलग। यहाँ यहाँ एक जो है जनता की समस्या है, इस समस्या से आप दुखी है या सुखी है ये बताओ। दुखी भी और समस्या से भी, 11 दिन की नहीं कहा था, 11 दिन में बना दे, 11 दिन हो रहा है या 11 महीने हो जाएंगे जब नहीं। पोल पट्टी की बात बताओ, आप पोल पट्टी खोलना चाह रहे थे आप? वो पोल पट्टी फुर्सत में आना पड़ा, आप फुर्सत में आना जी। चाचा क्या कहना चाह रहे हैं? हम तो दिखाते कुछ है होता मुझे, यहाँ पे बच्चे गिर रहे हैं, औरतें गिर रही हैं, मुझे लोग गिर रहे हैं, यहाँ पे ठोकर लग रखी, गिर रहा है, चोट लग गई, मैं खुद गिरा हूँ। काम करते हैं मच्छर काटते हैं, काम को देखो मच्छर को देखो, इतने मच्छर हो गए यहाँ पे, तो थोड़ी इन्होंने सारे काम काम को हुई है, बहुत बुरा हाल था। औरतें बच्चे गिर रहे हैं, उनका भी कुछ नहीं, कोई गिर रहा कितने दो बच्चे बच रहे हैं, चलान काट रहे हैं घरों के अंदर कूलरों के। अच्छा, गली गली का काम तो कराया नहीं जा रहा उनसे, घरों के अंदर चलान काट रहे हैं कूलरों पे, छतों पे देख रहे हैं, छतों का क्या मतलब है, पहले गली देख लो अपनी, तो ये गली बन नहीं रही अभी तक जी। आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? शायद जो है मन में रहना जाए फिर कोई बात कि भाई मैं नहीं बोल पाया तो ऐसा हो, बताइए जी। आप इस गली के बनने के फेवर में या ऐसी रहनी चाहिए? बनने के फेवर में ही है। अच्छा, मैंने कभी कुछ ऐसे भी हो अगर ये चाहते हो कि ना बने जी। हाँ ये तो हो ही रहा जी। यहाँ पे कुछ और लोग भी हैं, देखते हैं जी, इनसे बात करते हैं जी। तो भाई साहब बताइए क्या हम देखो ये हाँ जी 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 क्या कर रहे हैं? अच्छा ये नाली खोली है आपने? अच्छा ये आपका जो है सीवर का कनेक्शन है ना यहाँ से? जी जी सीवर का कनेक्शन। हाँ ये सीवर का कनेक्शन है ना जी, ये बिल्कुल बेकार है, नत्ती भर का नहीं है, कुछ डाल नहीं कुछ नहीं इसमें बताओ। अच्छा अभी हाथ देख लो हमारे, मजदूरों की तरह कुछ काम करना पड़ रहा है हमें। अच्छा तो क्या कारण है इसका, मतलब पाइप घटिया है? घटिया ही है पाइप, घटिया है पाइप। तो यहाँ लोगों की शिकायत ये भी है कि पाइप घटिया है जी जी, तो वो पाइप लगा दिया कहीं से उठा है बारिश से। दे बच्चे है, बच्चे बच्चे गोश्त की दुकान मत दो। जी भाई साहब आप भी यहीं रहते हैं नूरीलाई में? नहीं यार, आप बाहर रहते हैं। तो ये देखिए गली की हालत जो है, ये आप देख रहे हैं देखो किस तरह से, यहाँ गंदगी भी है और गली भी है, यहाँ बच्चों का निकलना मुश्किल है। जो सुबह को बच्चे स्कूल जाते हैं तो बड़ी दिक्कत होती है, गार्जियंस कह रहे हैं कि बच्चों को बहुत जी, ये बच्चे हैं यहाँ जो है बहुत दिन से गली नहीं बनी है जी। ये बेताब समाचार एक्सप्रेस।